नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि लंबे समय तक हेडफोन का इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी है ये वीडियो, तो ये वीडियो आखिर तक पूरा देखें। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई नई जानकारियाँ आपको सबसे जल्द मिल सके। तो आइए जानते हैं हेडफोन के इस्तेमाल करने से होने वाले नुकसान के बारे में। पहला, सुनने की शक्ति खो जाना। लगभग ऐसा हर ईयरफोन में होता है कि उनमें उच्च डेसिबल साउंड वेव होते हैं, जिनका इस्तेमाल करने से आप अपनी सुनने की शक्ति हमेशा के लिए खो सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 90 डेसिबल से अधिक आवाज़ में संगीत सुनते हैं तो ऐसे में आपके कानों में गंभीर क्षति पहुँचती है। इसलिए गाने सुनते समय आप समय समय पर ब्रेक भी लेता रहे। इसी के साथ आप एक मध्यम स्तर पर भी ईयरफोन की आवाज़ को बरकरार रखें। दूसरा, हवा के पास होने में परेशानी। आजकल ऐसे उच्च गुणवत्ता वाले हेडफोन आ गए हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने कान के काफ़ी पास होने वाले ईयर ड्रम के करीब करते हैं। इससे भले ही आपको संगीत सुनने का एक अद्भुत अनुभव मिले, लेकिन इस ईयरफोन का इस्तेमाल लंबे समय तक करने से आपके कान में हवा का प्रवाह नहीं हो पाता है, जिससे कान में संक्रमण होने के साथ ही आप हमेशा के लिए अपने सुनने की शक्ति से भी हाथ धो सकते हैं। तीसरा, ईयर इन्फेक्शन। जी हाँ, ईयरफोन में लंबे समय तक गाना सुनने से होने वाले नुकसान के साथ ही दोस्तों और घर वालों के साथ ईयरफोन को बदलने से ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आप जब कभी अपना ईयरफोन किसी के साथ शेयर करें तो ऐसे में आप उसे सैनिटाइजेशन से साफ करके ही इस्तेमाल करें। चौथा, कान का सुनना होना। लंबे समय के लिए कान में ईयरफोन लगातार लगाकर सुनने से हमारे कान सुन्न भी हो सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ हमारी सुनने की शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर आप इन संकेतों को अनदेखा करते हैं तो ऐसे में आप हमेशा के लिए अपने सुनने की शक्ति से भी हाथ धो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बहुत ज़रूरी जानकारियाँ। इसे आप अपने सभी दोस्त और रिश्तेदार तक ज़रूर पहुँचाइए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।